दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme Narzo 20A के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मोबाइल ऑन हो रहा है, कॉल आ रहा है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें मैंने ग्राफिक्स भी चेक किया, ना ग्राफिक्स आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। सब कुछ करके देख लिया, दूसरा डिस्प्ले लगा के भी देख लिया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए, इसका प्रॉब्लम तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं सोचा कि प्रॉब्लम ठीक करने से पहले आपको भी बता दूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका Realme Narzo 20A या तो दूसरा कोई भी Realme के मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है Realme का Narzo 20A, लेकिन अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है Realme का और ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ है तो पहला ट्रिक आपको ये करना है, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन को तीनों को ऐसे करके दबा के कुछ देर पकड़ के रखना है। अगर आपका ऐसे दबा के रखने से आपका मोबाइल रीबूट होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होने के बाद अगर डिस्प्ले का लाइट आ गया अच्छा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा करने के बाद भी आपका नहीं आता है तो आप दूसरा किसी रिपेयरिंग शॉप में लेके जाइए और आप पहले एक बार डिस्प्ले लगा के देखिए, दूसरा कोई भी डिस्प्ले लगा के देखिए। अगर डिस्प्ले लगाने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, अगर उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो आपका प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले लाइट आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो डिस्प्ले का कोई कॉयल या तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा नहीं, 600-700 रुपया में वो बन जाता है, लेकिन किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप जाना, इधर उधर जाओगे तो आपको फर्क भी पड़ने वाला है और आपका पूरा मोबाइल खराब भी हो सकता है। मैंने जो स्टेप बताया, पहले जो स्टेप बताया उसको ट्राई करना, उसके बाद सेकंड स्टेप है डिस्प्ले लगा के ट्राई करना, उसके बाद अगर नहीं हुआ तभी जाके हार्डवेयर में छेड़खानी करना या तो किसी हार्डवेयर दुकान में लेके दिखाना इसको, तो वो रिपेयर कर देगा, जो भी 500-600-700 रुपया लेगा लेके आपको ठीक करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ फेसबुक में इंस्टाग्राम में शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।